तो गाइज आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube की ओर से एक अपडेट आया था जो कि गाइज किसी ने उसके ऊपर शायद वीडियो नहीं बनाई है। तो गाइज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो अपडेट क्या है और गाइज आपको उसके अपडेट से कैसे फ़ायदा मिल सकता है या फिर आपको उससे नुकसान मिलेगा। तो चलिए गाइज बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है। तो गाइज जो यूट्यूब की ओर से अपडेट आया है उसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम कुछ भी टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे कुछ टैग्स मिलते हैं, लाइव गेमिंग म्यूजिक कैमराज वायरल वीडियो आई वीडियो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज वहीं पर आपको देखने को मिलेगा टाइमिंग। तो गाइज अभी आपने जो भी सर्च किया है उसके बारे में आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि आप जैसे ही कुछ भी सर्च करते हैं जैसे कि नियॉन स्ट्राइक कलर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको टाइमिंग मिल जाएगी और एक शॉर्ट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट्स देखना है तो शॉर्ट्स देख सकते हैं या फिर आपको 0 से 3 मिनट या 4 मिनट जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें देखना है, अंडर 4 मिनट तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मिनट के भी आपको अनबॉक्सिंग कुछ भी दे रखा है, जो भी आपने सर्च किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी, ये है अपडेट। तो गाइस ये अपडेट क्रिएटर्स के लिए नहीं लेकिन व्यूवर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी व्यूवर्स जो भी हैं वो जिसको शॉर्ट्स देखना है मतलब कि आपको कम टाइम में जो उसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो शॉर्ट्स पर देख सकता है, और जिसको 4 मिनट के अंदर देखनी है अनबॉक्सिंग तो 4 मिनट के अंदर क्लिक करेगा और जो भी अंडर 4 मिनट होगा उसके ऊपर वो वीडियो दिखाई देगी। तो गाइज और जिसको भी ज़्यादा मिनट मतलब कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है उसके ट्राइपॉड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो ज़्यादा समय तक क्लिक करेगा और गाइज उसकी जानकारी ले सकेगा। तो गाइज ये व्यूवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है लेकिन क्रिएटर्स के लिए भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि गाइज जब भी हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारे को पता नहीं होता है कि हम कितने मिनट तक बनाए, लंबी लंबी वीडियो बनाए या छोटी छोटी वीडियो बनाए। तो आपको इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको किस टाइप से वीडियो बनाना है। गाइज आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मतलब 2 मिनट की वीडियो डालनी है या फिर 3 मिनट की वीडियो डालनी है या फिर 4 मिनट की वीडियो डालनी है, आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, जिससे जिस टाइम कैटेगरी के ऊपर आपके ज़्यादा व्यूज आते हैं तो वो टाइम कैटेगरी के अनुसार आपको अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनानी है। वाइज अभी टाइम किसी के पास नहीं है तो जो भी देखना चाहेगा वो कम टाइम में देखना चाहेगा, तो आप जितनी हो सके छोटी वीडियो बनाएं। तो गाइज ये अपडेट आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और गाइज अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो जल्दी जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।